जाति की अपेक्षा नहीं है, अवस्था की अपेक्षा नहीं है, शुद्धि अशुद्धि की भी अपेक्षा नहीं है। यह स्मरे पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुद्धि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि भगवत स्मरण कर, शुद्ध होकर भगवत स्मरण करें, यह शुद्ध होकर भगवत स्मरण करें। भगवत स्मरण में शुद्धि की अपेक्षा नहीं, शुद्ध हो तो बहुत बढ़िया, शुद्ध हो सब तो कुछ नहीं क्या है, परंतु अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाली है भगवत भक्ति। अब कैसा अधिकारी है, भगवत गीता में स्त्रियो तथा शूद्रा परम कि ब्राह्मण पुण्य भक्ता अनित्यमसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा। ये शरीर अनित्य है, इस शरीर में आ गए हो तो भगवान का भजन करो। यदि दुराचार है जीवन में और भजन का दृढ़ निश्चय अनन्य निश्चय हो गया है तो साधु देव समन्तव्य सम्यक।
गिरना अपराध नहीं है, गिर के न उठना अपराध। भगवान का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते चलो। एक तो योगक क्षेम वहन करने वाली होती है तो वो बड़ी उच्च कोटि की है। अनन्या चिंतन तो मां वेदना पर विपाक तेषाम नित्यादिभूता नाम योगक्षेम वहां वहन। ये योगक्षेम वहन करने वाली होती है। अप्राप्त साधन को प्राप्त कराने वाली और प्राप्त साधन की रक्षा करने वाली। योगक्षेम माने अप्राप्त प्रापक और प्राप्त संरक्षक। ये भक्ति होती है। एक भक्ति होती है जो भगवान को सुलभ कर देती है। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यता तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। एक भक्ति ऐसी होती है जिससे भगवान ज्ञान देते हैं। मच्छता मदगत प्राणा बोधय परस्परम कथयंतमाम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयामि। ये बुद्धि योग का साधन है जिससे भगवान ज्ञान देते हैं। देशान देवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम समा ना से ज्ञान देते जिससे भगवान ज्ञान। मच्चित्त इसमें तो भक्ति की बहुत प्रिय रूपता का वर्णन है। मच्चित्ता मदगत भगवान में मन हो और भगवान में बुद्धि हो। चित्त शब्द का मन और बुद्धि दोनों गीता में मान्य है। मय्ये व मन आत्मस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यति मय्ये व अतवूर्ध्वं न संशय। इसके बाद भगवान ने मन और बुद्धि दो नाम नहीं लिया। अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम्। तो चित्त माने मन और बुद्धि को। मत चित्त मद गत प्राण मदेक जीवन अपने जीवन में तो प्राण है तो जैसे सांस के बिना जैसे नहीं रह सकते वैसे भगवान के बिना न रहा जा सकते। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च। एक दूसरे को समझाना और सामने वाला समझदार न हो तब भी कथयन्तश्च तो उसको भक्ति ही सुनावे। कथयन्तश्च और उसी में तुष्यन्ति च रमन्ति। उसमें स्वयं संतुष्टि का अनुभव करें और उसी में रम जाए और अपनी ओर से और न कुछ चाह के चरमंती चरमाम अवस्था अनुभव। क्योंकि रमन ऐसा क्यों तो रमंती क्रियापद जो है वो परस्परी पदी नहीं होना चाहिए, आत्मनिपदी होना चाहिए, रमंते होना चाहिए। तो रमनते नहीं है, रमनती है तो लो च को उसमें मिला दो और चरमंती कर लो और फिर चर्चा इतना है तुष्यंती च रमंती च दो च है तो तुष्यंती चरमंती च एक ही च से काम चल जाता है, दो च की कोई जरूरत ही नहीं है तो इसलिए चरमंती तुष्यंती चरमंती च। और ऐसे है कहीं शब्द में कहीं श्लोक के अर्थ में अंतर पड़ जाए तो भी आचार्य के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
न मधुसूदन सरस्वती शंकरानंद श्रीधर स्वामी नीलकंठ इस स्थान स्थान पर आचार्य की व्याख्या से विलक्षण व्याख्या करते हैं, परंतु सिद्धांत में वे आचार्य का विरोध नहीं करते। मधुसूदन सरस्वती तो बहुत नम्रता प्रकट करके और विरोध करते हैं। व्याख्यातृत्वेपि मे नास्त्र भाष्यकारेण तुल्यता गुंजाया किंतु हेमनैक तुलारोहे भी तुल्यता। गुंती के दाने को तराजू पर कढ़ाते हैं सोने के साथ तो क्या सोने के बराबर हो जाते हैं? तो हम भी व्याख्याता आचार्य भी व्याख्याता हम आचार्य की बराबरी नहीं कर सकते। इतना विनय करके भी और व्याख्यानांतर करते हैं चरमंति च वेशानुकंपार्थम अहम ददामि बुद्धियोगंतम जे मामु। यहाँ बुद्धियोग मिलता है भक्ति से, ये बात बताई। भक्ति योग का फल है बुद्धियोग और बुद्धियोग से तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, ये क्रम तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वान। ज्ञान दीप के द्वारा भगवान अज्ञान कम को निवृत्त करते हैं भक्ति से बुद्धियोग, बुद्धियोग से भगवत प्राप्त। कहीं कहीं बुद्धियोग से भक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा भी है। बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। वहां तो कहा कि मच्चित्त होने लगेगा और यहाँ कहा कि बुद्धियोग का आश्रय लो। तो बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्त, ऐसे प्रसंग है। अब 12वें अध्याय में जो भक्ति की व्याख्या है उसको छोड़ करके में भक्ति के दो रूप एक साथ बताए हुए उसकी चर्चा करते हैं। एक तो कहते हैं ब्रह्मभूत होने के बाद भक्ति मिलती है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अभी देखो अधिकारी हो गया ब्रह्मभूत और भक्ति के साथ लग गया पराम, तो इसके और इसका रूप है भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चात्म तत्वता। तो ये भगवद अभिज्ञान, भगवान की अभिज्ञप्ति तो हुई फल और ब्रह्मभूत हुआ अधिकारी और बीच में हुई पराभक्ति। तो ये जो भगवत तत्व के अभिज्ञान में काम आने वाली जो भक्ति है भक्त्या माम अभिजानाति अनुपद ही है, पराभक्ति का लाभ होता है ब्रह्मभूत। ये भक्ति अंतकरण शुद्ध होने पर मिलती है, ये अंतकरण शोधक भक्ति नहीं है, शुद्धांतकरण में ये भक्ति आती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। अब इससे पढ़ के और क्या शुद्धि होगी अंतकरण की? तो शुद्ध अंतकरण में ये पराभक्ति प्राप्त। अब यदि इतना ही पढ़ के रहने दें अगला श्लोक न पढ़े तो यहाँ मालूम पड़ता है कि ब्रह्मभूत होने का फल, प्रसन्नात्मा होने का फल, सर्वभूतेषु समः होने का फल क्या है? पराभक्ति की उपलब्धि। परंतु जब अनुपद ही अव्यवहित श्लोक पढ़ते हैं भक्त्या माम अभिजानाति परया भक्त्या मद्भक्तिम लभते पराम परया भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा इच्छते तदनन्तरम्। इस पर जो स्वयं विमर्श अथवा स्व प्रकाश टीका है उसका ये कहना है कि
समस्सर्वेषु भूतेषु पर्यंत केवल त्वम पदार्थ की शुद्धि का ही वर्णन है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो वृत्त्यात्मानं शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाक् कायमानतः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शांतो। यहाँ तक तो अंतकरण की शुद्धि है। ब्रह्म भूयाय कल्पते विभू दृष्टा, यहाँ विभू दृष्टा को ब्रह्म कहा और ब्रह्म भूता माने विभू दृष्टा के रूप में जब स्थिति हो गई तब प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, अंतकरण निर्मल हो गया। प्रसन्न आत्मा का अर्थ है प्रसन्न मना, प्रसन्न अंतकरण, और शोक और आकांक्षा से विनिर्मुक्त और वैषम्य से विनिर्मुक्त। अब इसको पराभक्ति की प्राप्ति हुई तो अंतकरण शुद्ध होने पर और त्वम पदार्थ का ब्रह्मभूता त्वम पदार्थ का ठीक ठीक विवेक हो जाने पर और अभी ब्रह्मत्वेन अद्वितीयात्मत्वेन आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, विभुत्वेन तो आत्म साक्षात्कार है पर अद्वितीय ब्रह्मात्मत्वेन साक्षात्कार नहीं है। ऐसी अवस्था में पराभक्ति प्राप्त होती है और फिर भक्त्या करण भूतया, भक्ति भी यहाँ करण रूप से ही है। परया भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति अभितो जानाति पूर्णतः परिचिनोति, अभिज्ञप्ते है साहचर्या। अभी पराभक्ति एक ऐसी भक्ति आई जो ब्रह्मभूत अधिकारी के अंतकरण में इस पराभक्ति का लाभ होता है। इसलिए जितनी भी वैधी भक्ति है और जितनी भी मर्यादा भक्ति है, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज प्रथम भक्ति को क्रिया योग बोलते हैं और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मर्यादा भक्ति बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में वैधी भक्ति उसके अनंतर प्रपत्ति रूपा भक्ति अथवा पुष्टि रूपा भक्ति अथवा निस्साधनता रूपा भक्ति, इसको पराभक्ति बोलते हैं भिन्न भिन्न संप्रदायों में। पर यहां भक्ति का जो काम है ब्रह्मभूत अधिकारी को लाभ हुआ पराभक्ति का, तो जैसा अधिकारी है और जैसा उसका फल है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत तत्व का ज्ञान, भक्ति का स्वरूप भी वैसे ही होना चाहिए। राम रूप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक रामाकार भक्ति, कृष्ण रूप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कृष्णाकार जो भक्ति है वो भक्ति, और वृत्ति परिपक्व हो करके पूर्ण गाढ़ हो करके राम तत्व का कृष्ण तत्व का राम रूप का कृष्ण रूप का साक्षात्कार करवाते हैं। वो वृत्ति की गाढ़ता है, वो वृत्ति की परिपक्वता है कि उसमें अभिज्ञात जो परम ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है। उसमें प्रेम पूर्वक शिवाकार, प्रेम पूर्वक देव्याकार, प्रेम पूर्वक रामाकार, कृष्णाकार, विष्णुआकार, प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देव की जो आकृति है, आकार इष्ट देवाकार इष्टाकार वृत्ति है, वो परिपक्व हो करके गाढ़ हो करके इष्ट देव के साक्षात्कार में समर्थ होते हैं। परंतु यहाँ तो अभिज्ञान में जो समर्थ भक्ति है
उस भक्ति का उल्लेख। यावान यस्यास्मि तत्वतः, यावान यस्यास्मि तत्वतः यावान अस्मि, देश काल परिच्छेद शून्य यावान वस्तु रूपेण यश्च अस्मि अनारोपिताकारं तत्व। तत्व क्या है? जिसमें आकार विशेष का आरोप नहीं है। आकार के आरोप से विनिर्मुक्त जो तत्व है, सांख्यों ने आत्मा को विभू माना, परंतु विभू मानने पर भी उसको पृथक पृथक माना, तो परिच्छिन्नता तो गई नहीं। ये जो पृथक पृथक पुरुष हैं, ये तो अनेक पुरुष होने से सजातीय है, सजातीय भेद है, और प्रकृति के साथ विजातीय भेद है। और यदि साहस न माना जाए तो पुरुष विशेष और पुरुष, ये भी एक भेद मानना पड़ेगा योग में। तो अब जैसे पुरुष विशेष है, उसकी दार्शनिक स्थिति क्या हो सकती है? पुरुष से परे रहकर वो पुरुष विशेष है कि पुरुष का दृश्य रहकर, पुरुष से परोक्ष रहकर पुरुष विशेष है कि पुरुष का दृश्य होकर पुरुष विशेष है? तो पुरुष विशेष है, ये भी पुरुष विशेष ही है। तो पुरुष विशेष होकर के यदि ईश्वर पृथक है तो विशेष तब दृश्य होगा, पुरुष का जो विशेष होगा वो दृश्य ही होगा। अच्छा, पुरुष का जो भेद होगा वो भी दृश्य ही होगा, और यदि वो परोक्ष है, अदृश्य है ऐसा माने, तो कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं होगा। कभी न कभी तो उसका साक्षात अपरोक्ष होना ही चाहिए। तो जीव भेदो जगत सत्यम ईशोन्या इसे त्रय त्यजते तई तदा सांख्य योग वेदांत सम्मत। तो अब ब्रह्मभूत जो अधिकारी है, विभू, अपने को विभू अनुभव कर रहा है, परंतु विभुत्व जो है उपादान रूप से विभुत्व है कि असंपृक्त रूप से विभुत्व है? यदि असंपृक्त रूप से विभुत्व है तो दृष्टा में भेद की कल्पना करने का कोई कारण नहीं। क्यों? ये जितने भेद के हेतु बताए, पुरुष बहुत्व के हेतु, जन्म मरण करण इत्यादि, सुख दुख, जन्म का भेद, मरण का भेद, करण का भेद, प्रवृत्ति का भेद, सुख दुख का भेद, अजुगपत प्रवृत्ति, ये सब तो अंतकरण में रहने वाले प्राकृत धर्म हैं। यदि इनके भेद से पुरुष में भेद होता है तो उसको औपाधिक भेद कहना पड़ेगा। अंतकरण होए, भिन्न भिन्न प्रकृति के कार्य होए भिन्न भिन्न, और उसके कारण पुरुष में भेद हो जाए, अन्यगत भेद का अन्य में आरोप करना, ये तो सांख्य की स्पष्ट निर्बलता है। उपाधिगत भेद को ही वो दृष्टा में भेद का हेतु बताता है। दृष्टा में भेद का हेतु बताओ, एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा में क्या विशेष है? वहां तो कुछ है नहीं। तो अब रह गए इतने ही, ये विभू दृष्टा तो है, परंतु उपाधि से किंचित संसर्ग होने के कारण ही इसमें भेद की प्रतीति होती है। तो अब उसको जो भक्ति प्राप्त होगी वो क्या होगी? अभेद भक्ति होगी। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो यही स्व का जो वस्तु स्वरूप है, ये आत्मा का जो तत्व है, उसका अनुसंधान होता है पराभक्ति के द्वारा। मैं परमात्मा, अयम आत्मा
ब्रह्म इसमें साक्षात्कार के योग्य गाढ़ वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए पुनः पुनः जो उसकी आवृत्ति है उस आवृत्ति को कहते हैं परावृत्ति, प्रेम पूर्वक आवृत्ति। श्रवण मनन पूर्वक श्रुत मत अर्थ में जो पुनः पुनः वृत्ति का स्थापन है उसका नाम होगा पराभक्ति। एक होगी भक्ति और एक होगी पराभक्ति। भक्ति क्या होगी तो भागा, भागो भक्ति ही, अयम अनात्म भागा, अयम आत्म भागा, भागो भक्ति। ये अनात्मा का भाग है, ये आत्मा का भाग है, अयम माया भागा, अयम ब्रह्म भागा, इत्याकारक जो विवेक है उस विवेक का नाम भागो भक्ति। विभाजन रूप जो भक्ति है, विवेचन रूप जो भक्ति है वो तो एक भक्ति है, और अभेद भाव की जो आवृत्ति है वो दूसरी भक्ति है। तो भक्त्या माम अभिजानाति, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित तत्वतः अनारोपिताकार जो मैं हूँ, जिसमें सच 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 संसार भाग, जीव भाग, ईश्वर भाग, सच 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 मायोपाधिक भाग, अविद्योपाधिक भाग, संसरण भागश्च, सच 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 तेषां तत्व, तेषां भाव तत्व, सच 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 तेषां भाव तत्व तत्व। जो ईश्वर में, जीव में, संसार में अधिष्ठान रूप से, स्वप्रकाश रूप से विराजमान है उसका नाम हुआ तत्व। तत्वतः जावान जश्चास्मि, जावान देशाधिष्ठान रूपेण, कालाधिष्ठान रूपेण, जडाधिष्ठान रूपेण, दृश्याधिष्ठान रूपेण च जावानस्मि तत्वतश्च जोस्। जावान जश्चास्मि तत्वतः अभिजानाति, ततः अभिज्ञानात्, तथा तदनंतरम नहीं, आनंतर जी नहीं, तथा अभिज्ञानात्, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तथा अभिज्ञानात् माम तत्वतः ज्ञात्वा, तदनंतरम विश्वते अभेदेन अनुभवति, अभेदेन माम अनुभवति, अभेद से मेरा अनुभव करता है। तो ये जो भक्ति है ये ब्रह्मात्मयी के ज्ञान के अनुरूप ये भक्ति है, और इसी का अनुसंधान भगवत तत्व के अनुभव में होती होती है। अच्छा, अब एक बात, श्रीमद् भागवत में देवकी वसुदेव, ये तो भगवान के माँ बाप हैं, और भगवान के अवतरण काल में ही उनको चतुर्भुज भगवान का दर्शन हुआ। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदाधारी हरिपदकार चक्र, अरासंत्यस्ति अरिचक्रम, अरि शब्द का अर्थ वहां ऋतु नहीं है, शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदाधारी विष्णु के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और भगवान ने स्वयं श्रीमुख से आदेश किया, युवाम माम पुत्र भावे ब्रह्म भावे चाचकृत चिंतयंतौ कृतस्नेहौ जास्येते मदगतिम पराम। इतना होने पर भी देवकी वसुदेव के मोह की, स्वयं भगवान के उपदेश से भी
देव की वसुदेव के मोह की निवृत्ति नहीं। इतना वैभव देखा, इतना ऐश्वर्य देखा, उनके देखते देखते द्वारका बन गई और इतने शत्रु मर गए, लेकिन फिर भी उनको बोध नहीं हुआ कि ये परमात्मा मरे। यज्ञ जागादि करके उन्होंने भी अंतकरण शुद्धि का साधन किया। नारद आदि से यज्ञ किया, भगवान आए तो बोल दिया कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन भगवान ने वहां भी उसको मजाक में डाल दिया। बोले सब जैसे गुरु अपने चेले को ब्रह्म कहते हैं, वैसे तुम हमारे पिता हो, हमको ब्रह्म कह रहे हो, तो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सारी द्वारका ब्रह्म है, हिमेश द्वारका कर रहा है, ये तो तुम पिता के स्थान से हमको उपदेश कर रहे हो, ठीक है पिताजी। फिर भी वो उनकी निवृत्ति नहीं है। तब नारद जी को भगवान ने भेजा और उन्होंने नवजोगेश्वरों का उपदेश सुना कर देवकी च महाभागा चतुर्मोहमात्मन। भागवत में वहां बताया कि देवकी वसुदेव का मोह न चतुर्भुज के दर्शन से निवृत्त हुआ, न नारद के उपदेश से निवृत्त हुआ, न स्वयं शास्त्रानुसार उपदेश करने से निवृत्त हुआ। जब सत्पुरुष देवर्षि नारद ने, सो भी नारद को शंका थी कि हमारे ऊपर इनकी श्रद्धा नहीं होगी, क्यों? तो बोले रोज रोज तो हमारे बेटे के पास आते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, कोई शांत कोई विरक्त भी नहीं है नारद जी, तो इनके उपदेश से ज्ञान, हमारे उपदेश से ज्ञान नहीं होगा। तब उन्होंने नवजोगेश्वरों का उपाख्यान सुना करके देवकी वसुदेव को ज्ञान कराया। तो देवकी वसुदेव की जो इतनी बड़ी प्रीति है, वो प्रीति भी अंततो गत्वा महापुरुष के उपदेश से ज्ञान के रूप में परिणत हुई। फिर ज्ञान आया कल्पते। अब दूसरा देखो उदाहरण, गोपियों के प्रेम से बढ़ करके तो दूसरा कोई भगवान का प्रेम होगा नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा है गोपी। भगवान कहते हैं कि जानन्ति गोपिका पार्थ, नान्नी जानन्ति तत्वता। हमको तो गोपियां जानती हैं, दूसरे लोग तो जानते ही नहीं। गोपियों के प्रेम की कथा तो पृथक है। हुआ ये कि जब कुरुक्षेत्र में गोपियों का और श्री कृष्ण का समागम हुआ, वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को उपदेश दिया, और उपदेश ऐसा किया कि जैसे अवर भूतों में कारण भूत जैसे अनुस्यूत होते हैं, जैसे पृथ्वी में जल है, जल में अग्नि है, अग्नि में वायु है, वायु में आकाश है, जैसे शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा में अनुगत है, स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा में अनुगत है, वैसे ही मैं संपूर्ण विश्व सृष्टि में अनुगत हूँ और मेरे सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है, ये उपदेश किया। और ये उपदेश करके भागवत का हम सुखदेव जी मनाते हैं, अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण वस्त जीव दोषा तमध्यगान। श्री कृष्ण ने स्वयं गोपियों को अध्यात्म शिक्षा से शिक्षित किया। आत्मनेव इति अध्यात्म, ये जो शरीर परमात्मा है इसका उन्होंने शिक्षण दिया। तदनुस्मरण वस्त जीव दोषा, उस शिक्षा के अनुस्मरण से गोपियों का जो जीव कोष है उसका ध्वंस हो गया। और तमध्यगन अधिगम प्राप्त हुआ, परमात्मा का अधिगम प्राप्त हुआ। ये मैंने इसलिए सुनाया कि भागवत में गोपी
प्रेम का भी एक पर्यवसान इस रूप में है। तो उससे क्या गोपियों के प्रेम का नाश हो गया? क्या नहीं, जब तक उनका शरीर रहा तब तक प्रेम की अनुभूति होती रही। आहुष्यते नदी ननाभ पदार विंदम गेहं दुषाम अभी मनस्युदियात सदा। अंतकरण में भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान होता रहे, लेकिन उनको अधिगम हो गया भगवत तत्व का। मैंने यहाँ पहले कई महापुरुषों से जो यहाँ थे वृंदावन में उनसे ये प्रश्न किया था कि अंत तो गत्वा गोपियों के भी जीव कोश का ध्वंस ही हुआ, तो गोपियों के प्रेम का पर्यवसान भी तो तत्व ज्ञान में ही हुआ। ऐसा मैंने यहाँ के कई सत्यों से तो उन्होंने कहा भाई गोपी दो तरह के हैं ना, एक तो जो ऋषि मुनि जो हैं पहले ज्ञान की वासना से जिज्ञासा से तपस्या कर रहे थे और श्री कृष्ण के दर्शन से या राम के दर्शन से, राम के या कृष्ण के दर्शन से उनके मन में प्रेम वासना उदय हुआई, तो उनकी प्रेम वासना पूरी करके और फिर भगवान ने उनको तत्व ज्ञान दे दिया। लक्ष्मण माने लक्षण होता है, जैसे लक्षण के बिना लक्ष्य जो है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है, लक्षण के बिना जैसे लक्ष्य नहीं हो सकता। ऐसे भी कहते हैं कि सीता जी के बिना तो 10 महीने श्री राम रह भी गए, पर लक्ष्मण के बिना तो 2 घड़ी भी नहीं रहे शरीर ही छोड़। धातु बता दो भाई को, और लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी बनता है ना, वैसे लक्ष्मी और लक्ष्मण एक ही लक्ष्म शब्द बनता है, कोई लक्ष्य था। लक्ष्मी लक्ष्म लक्षण रोग जैसे एक दूसरे को ऊपर से बीच में जाती है, क्यों एक दूसरे को पकड़ती है, कहते हैं जीव भी किसी तरह से एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, एक को छोड़ता है तब पहले पकड़ लेता है तब, लेकिन जिस साधना के द्वारा जीव का अंतःकरण जब भी हो जाए तो फिर उसको आगे पकड़ने के लिए यदि उसकी साकार उपासना हो तो दीदा प्रवेश के लिए ये क्या नाम है धर्मचंद जी, ऐसा है कि अंतःकरण किसी का चिंतन करते करते जब इतना सदाकार हो जाता है वो कहीं जाना आना नहीं कि ये शरीर हो जाता है और ये कुछ हो जाता है, और जिस शरीर में वो तन्मय रहता है वो शरीर वही उसी समय वो लोक वो स्वर्ग वो वैकुंठ वो गोलोक वो निकुंज सब उसी समय वही बन जाता है जहाँ वो जहाँ रहता है और शरीर छूट जाता है। तो ये जंतुर भाई कसित हे तो हो मृत्यु हो अत्यंत विस्मृति है जन्मत्वात्मतया आत्मसा सर्वभावेन भूरी न विषय स्वीकृति प्राप्त। सर्वभाव से किसी वस्तु में ऐसा तन्मय हो जाना आत्मरूप से यही है, जैसे स्वप्न में कोई गधा हो जाए और शरीर के साथ संबंध छूट जाए तो वही जो मन में गधा बना है ना वही उसका चरागाह रहेगा, वही वो गधा रहेगा, वही गधैया रहेगी, वही उसका बेटा। तो ये लोक से लोकांतर गमन नहीं हो करके भाव से भावांतर गमन जो है इसी को शास्त्रीय दृष्टि से जन्म ये नरक स्वर्ग जो है लोक लोक ये दर्शन सृष्टि नहीं है।
ये प्राण सृष्टि ही माने जाते, बस जहां है उन्हीं, एक रूपांतर हुआ उसको पकड़ के बैठ गए और ये छूट गया, भूल गया, ये चोला चोला गया, कई चुटके चुटके पर वैसे उसका उत्क्रमण का अर्थ यही है कि इस देह की स्मृति छोड़ करके दूसरे देह में तन्मय हो जाए। स्वप्ने यथा पश्यति देह मीदृशम मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतना दृष्ट श्रुताभ्याम मनसा चिंतय प्रपद्यते तत् किमपि यपस्मृते। जतो जतो धावति दैव चेतोदितम मनोविकारात्मकमावपञ्चसु गुणेषु माया रचितेषु देहजसौ प्रपद्यमानं सातेन जायते ब्रजस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलुकैवं देहि देहि गच्छति।